उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का इंतजाम खत्म होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में बारिश नहीं होने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, इससे प्रदेश भर में हल्की बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके बाद अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 2-4 डिग्री की कमी आने से ठंड बढ़ेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की भी संभावना है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ पर बर्फबारी मिलने की भी संभावना है। जबकि जो 8 तारीख को खास करके ये एक्टिविटी जो है दोपहर बाद शुरू होने की संभावना है उत्तराखंड में, और 9 तारीख तक चलेगी। तो इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या ऊधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक्टिविटी 2 दिन जो है रहने वाली है उत्तराखंड में।